इस फोर्ट को ना अकबर बादशाह ने बनवाया था सर, ठीक है। इस फोर्ट के सर तीन गेट हैं जहाँ से गाड़ी जाएगी, ये गेट रॉयल फैमिली यूज़ करती थी, सेकंड गेट जो मस्जिद के सामने है वो आर्मी यूज़ करती थी, और थर्ड गेट लास्ट पे है वो लोग इस्तेमाल करते थे बादशाह की अदालत में आने के लिए। चल यार उन्होंने नहीं आ रहे सर। आप ये देखें सामने दीवार, दीवार के ऊपर जितने भी आप एनिमल्स वगैरह देख रहे हैं या पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ये उस टाइम का लाइफस्टाइल शो किया इस दीवार के ऊपर। ये सर दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है ये, तो पूरी दुनिया में इससे बड़ी दीवार नहीं है जिसके ऊपर मोज़ेक टाइल्स के साथ काम हुआ है। तो 10% ये आपके सामने इस गेट से लेके वो लास्ट तक, बाकी सर 90% पीछे है। इस फोर्ट का जो काम है वो आगा खान फाउंडेशन का रही है, 18 साल का बजी ये प्रोजेक्ट है और 7 साल हो गए हैं फोर्ट के अंदर काम हो रहा है। इसको जो सर फंडिंग भेजते हैं वो नॉर्वे और यूनेस्को भेजते हैं। अभी जब हम गाड़ी में चलेंगे, जब गाड़ी चलेगी, गाड़ी हमें थर्ड फ्लोर पे लेके चली जाएगी। अच्छा, तो जब हम थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे सर, हमारे नीचे 2 बेसमेंट आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में पंखे या एसी नहीं थे, तो उन्होंने गर्मियों वाला महल नीचे बेसमेंट पर बनवाया, और उसके नीचे एक बेसमेंट है वहाँ पर मुगल्स अपना पैसा रखते थे। तो इसके 3 फ्लोर हैं, विंटर पैलेस खुला है, समर पैलेस और नीचे वाले जो स्टोर हैं वो बंद हैं। आप सर देखें दीवार के अंदर छोटे छोटे जो हॉल्स बने हैं जहाँ पे भी पिजन्स बैठे हैं, ये सारे पिजन हॉल्स हैं जो ईमेल सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, तो पैगाम वगैरह भेजने के लिए ये सारा सिस्टम है। बाकी ये सर जो छोटा दरवाज़ा है ये ब्रिटिश आर्मी ने बनवाया था बाहर वाला जो है, क्योंकि फोर्ट के अंदर सबसे पहले मुगल्स रह के गए हैं, मुगल्स जाने के बाद यहाँ पर 1799 में सिख आ गए, तो 50 साल यहाँ पे फिर सिख गवर्नमेंट भी रह के गई है, और सिखों को सर टेक ओवर किया था ब्रिटिश आर्मी ने, 100 ईयर्स यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी रह चुकी है। तो सर 3 पीरियड गुजरे हैं यहाँ पर। सर फोटो बनवाएंगे, पानी चाहिए आपको? सही है। बात कपट मतलब
ये सब शाही दरबार है। अभी आप चले जाएं फैमिली के सामने, आपके एक ग्रुप फोटो बना दूं, फिर उसके बाद आप चले। हेलो फोर्ट के अंदर दो पुरानी जेलें हैं, मुगल टाइम की जेल यहाँ पे है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे ना बेनज़ीर के फादर, उनको भी फांसी से पहले यहाँ पे रखा था, लेकिन वो ये जगह नहीं है। जब गाड़ी पे वापस आएंगे मैं आपको दिखा दूँगा। ये बादशाह का थ्रोन है जिधर वो आके बैठता था। तो यहाँ पे हफ्ते के अंदर 3 दिन अदालत लगती थी, 2 घंटे के लिए सारे डिसीजन यहाँ होते थे। और जब यहाँ पे अंग्रेज़ रह के गए हैं, उन्होंने ना यहाँ पे पर्दे लटका कर इस जगह को हॉस्पिटल बना दिया था। मुगल्स टाइम की अदालत है और अंग्रेज़ों के टाइम का हॉस्पिटल है। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? दीवाने आम। रिस्टोर कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छा थोड़ा सा आ रहा है। वो देखिए फिर ओपन कर देंगे इसको। हाँ, फिर ओपन कर देंगे। 18 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी सिर्फ 7.5 साल हुए। ऊपर जो है ये जोधा अकबर का मंदिर भी बना। आपको पता है हिंदू लोग सूरज की आरती उतारते हैं ना, तो ऊपर ना छत पे ना उन्होंने सूरज बनाया, नीचे से वो खड़े होकर आरती वगैरह उतारते थे। और बाकी यहाँ पे जिधर जिधर मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले महल था अकबर का, उनकी हिंदू वाइफ जोधा अकबर का। तो ये सारा सिख वॉर में गिरा यहाँ से। ऊपर वो रानी महल है, रणजीत सिंह की 21st वाइफ रानी जिंदा यहाँ पे रहती थी। इसको बनाया म्यूजियम, नवंबर में जब सिख आएंगे ना बाबा गुरु नानक के मेले पे, उनको दिखाएंगे अंदर से। पेंटिंग्स पड़ी हैं और आगे दोनों साइडों पे रॉयल गेस्ट हाउस है। तो शाही ख़ानदान के सारे मेहमान यहाँ पे रहते थे। और वो सेंटर में प्रिंस का बेडरूम है, तो शहज़ादा सलीम अपनी वाइफ मलका नूरजहान के साथ वो वहाँ पे रहते थे। दीवाने खास है, दीवाने खास वीआईपी के लिए था, जहाँ पे बादशाह के मिनिस्टर्स वगैरह आके बैठते थे। रॉयल फैमिली की मीटिंग्स यहाँ पे होती थी। आपको पता है इंडिया में ताजमहल बना है, और ताजमहल के अंदर जो वाइट मार्बल लगा है वही सेम मार्बल यहाँ पे। जैसे जैसे सूरज कलर चेंज करता है, वैसे वैसे ताजमहल भी कलर उस कलर की शाइन देता है, ये भी उसी कलर की शाइन देता था। और जब यहाँ पे ब्रिटिश रहते थे उनके टाइम के जो कैथलिक क्रिश्चियन थे उनका चर्च था ये। और जब लेडी डायना पाकिस्तान आई थी उनको यहाँ पे डिनर दिया था। साढ़े 300 साल पुराना बरगद का दरख्त है। और ये अंदर मोती मस्जिद है, आपने मोती मस्जिद का सुना होगा, इस मस्जिद को जिन्ने वाली मस्जिद भी कहते हैं। अच्छा,
लाइब्रेरी थी मुगल्स टाइम की। अच्छा। और यहाँ पे एडमिन ऑफिस है, बादशाह से मिलने के लिए यहाँ पे टाइम लेना पड़ता है। मोती मस्जिद का चक्कर लगाना दिखा दो। ठहरो, आगे चलो। मार्बल नहीं, ये टेन ले लो, बोल रहा हूँ सर। ये डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं। अच्छा अच्छा। ये बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइवेट, उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ें जो अपनी शाही किले का मॉडल, बादशाह मशीन का मॉडल, वो हरी टांगे ज्वेलरी बॉक्स, ये आज कल ट्रा कार्ड काम बहुत चल रहा है आजकल। जी जी जी, टाइप की चीज़ें ये देख सकते हैं आप। लाहौर की हवेली का गेट, उस पर डिज़ाइन किया हुआ है, शीशा बना हुआ है। दो किस्म के फिर कहती वो मम्मी को मैं भी लाता हूँ। अभी नहीं, मैं भी लाता हूँ। पाँच बजे का है, याद ही बता दूँ। भागे भागे आज इतना अब आ जाएगी कल। कैसे स्पेलिंग फिगर ना ना वो वेगन आ रहा है मेरा ख्याल है, जापानीज वेगन। हाँ लग गया है, साफ सही। मैं भाई चला
Thank you.